हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुद्रा बनी मोदी सरकार पर बोझ, विफलता के बाद एनपीए बनने की कगार पर। केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि मुद्रा योजना के लिए निर्धारित फंड में 40% पैसा जस का तस बना हुआ है, क्योंकि देश में कोई इस कर्ज को लेने के लिए आगे नहीं आया। मुद्रा योजना की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 और 2017-18 के मुताबिक वर्ष के लिए मौजूद कुल फंड का 60% और 61% क्रमशः दिया गया और दोनों ही साल लगभग 40% फंड धरा का धरा रह गया। इसके अलावा केंद्रीय रिजर्व बैंक के कर्ज आंकड़ों को देखें तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को दिया गया कर्ज दोनों गैर खाद्य और प्राथमिकी सेक्टर को दिए गए कर्ज की तुलना में बहुत कम है। गौरतलब है कि गैर खाद्य सेक्टर में कृषि और संबंधित इकाइयों, इंडस्ट्री, सर्विस और पर्सनल सेक्टर शामिल हैं, जबकि प्राथमिक सेक्टर में कृषि और संबंधित इकाइयाँ, MSME, हाउसिंग, माइक्रो क्रेडिट, शिक्षा और पिछड़े वर्ग के लिए अन्य सुविधाएं शामिल हैं। वहीं इस सेक्टर को दिए गए कर्ज की तुलना मुद्रा योजना लागू होने से एक महीने पहले यानी मार्च 2015 और मार्च 2018 से करते हैं तो आंकड़ों के मुताबिक गैर खाद्य और प्राथमिक सेक्टर में क्रमशः 28% और 27% कर्ज दिया गया। वहीं MSME को महज 24% कर्ज दिया गया। नवंबर 2014 से नवंबर 2018 के रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक गैर खाद्य और प्राथमिक सेक्टर को कर्ज में 41% और 36% की ग्रोथ दर्ज हुई। इस दौरान MSME को दिए गए कर्ज में महज 33% का ग्रोथ है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में MSME को दिए गए कर्ज के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2014 से मार्च 2018 के बीच कर्ज में 2% की निगेटिव ग्रोथ दर्ज हुई। वहीं नवंबर 2014 से नवंबर 2018 के बीच में महज 1% की कर्ज में ग्रोथ दर्ज की गई। खास बात यह है कि यह आंकड़े ऐसी स्थिति में मिल रहे हैं जब मौजूदा केंद्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया को अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट बनाकर चला रही है। बिना किसी गारंटी के दिए गए मुद्रा कर्ज पर एनपीए बनने का खतरा मंडरा रहा है। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने सितंबर 2018 में मुद्रा योजना को खतरा बताते हुए कहा, इस योजना से बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा संकट आ सकता है। इस खतरे का संकेत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख भी सांसद की वित्त समिति के सामने दे चुके हैं। हाल ही में जनवरी 2019 में RBI एक बार फिर सरकार को मुद्रा कर्ज के NPA बनने के खतरे के लिए आगाह कर चुकी है। RBI के मुताबिक मुद्रा कर्ज 11,000 करोड़ रुपए के पार है, लिहाजा यह दावा कि मुद्रा कर्ज से बड़ी संख्या में रोजगार पैदा किया जा रहा है के विपक्ष में केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के आंकड़े नहीं हैं। वहीं मुद्रा योजना MSME सेक्टर को कर्ज मुहैया कराने की दिशा में पूरी तरह विफल साबित हुआ है और इसी के चलते मुद्रा फंड का बड़ा हिस्सा अभी भी बैंकों के पास पड़ा है। इसके साथ ही मुद्रा पर छाया NPA का खतरा बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा संकट बनने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने मनोहर पर्रिकर पर ट्विटर से हमला बोला, फिर पहुंच गए उनके दफ्तर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से उनके दफ्तर पर जाकर मुलाकात की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राहुल पोर्वोरिम स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे और करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। जब मीडिया ने मीटिंग में हुई बातचीत के संदर्भ में राहुल गांधी से जानने की कोशिश की तो वो लेट हो रहे हैं कहकर निकल गए। उल्लेखनीय है कि इन दिनों राहुल गांधी अपनी माँ सोनिया गांधी के साथ निजी प्रवास पर गोवा गए हैं। सांसद के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी ने एक ऑडियो टेप रखकर ये दावा किया था कि गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने पत्रकार को बताया है कि राफेल डील से जुड़ी फाइलें पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के घर पर रखी हैं। हालांकि राणे ने कांग्रेस के इस बयान को खारिज करते हुए इस संबंध में जांच के लिए पर्रिकर को भी पत्र लिखा था। सोमवार को ही राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था कि 30 दिन बीत जाने के बाद भी इस संबंध में कोई FIR तक दर्ज नहीं की गई और न ही राणे पर कोई कार्रवाई की गई। गोवा कांग्रेस के विधायक दल के नेता चंद्रकांत कवेलकर ने कहा, राहुल गांधी निजी यात्रा पर गोवा आए हैं, मुख्यमंत्री से उनकी शिष्टाचार भेंट थी, वे पर्रिकर के स्वास्थ्य की जानकारी लेने गए थे, मैंने ही उनसे कांग्रेस विधायकों से मिलने का निवेदन किया था। राहुल ने गोवा विधानसभा में बजट सत्र से पहले दिन ही वॉकआउट करने वाले कांग्रेस के 12 विधायकों से मुलाकात भी की थी। गोपाल राय ने कहा, किसानों के लिए दिल्ली सरकार लागू करेगी स्वामीनाथन रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने किसानों को लेकर बड़ी बात कही।
उन्होंने कहा, भाजपा और कांग्रेस में से किसी पार्टी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू नहीं किया, लेकिन दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि यह रिपोर्ट राजधानी में लागू की जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार ही केजरीवाल सरकार किसानों की फसल का दाम निर्धारित करने की तरफ बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर किसान सबसे बड़ी आबादी है। बार बार आवाजें उठती रही हैं कि हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की आत्महत्या के समाधान के लिए कांग्रेस सरकार के समय स्वामीनाथन रिपोर्ट तैयार की गई और 2006 में सौंप दी गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों की भलाई के लिए किसानों के खर्च के अनुसार 50% जुड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। राय ने कहा, अब दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि दिल्ली के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार किसानों के फसल के दाम निर्धारित करने की तरफ बढ़ेंगे और उसे लागू भी करेंगे। कल देश के तमाम कृषि वैज्ञानिक, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के लोग और एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिनसे चर्चा के बाद हम इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए बढ़ेंगे। दिल्ली में 75,000 एकड़ जमीन में कृषि होती है और 20,000 किसान कृषि से अपना पेट पालते हैं, तो ये कदम किसानों के लिए एक अच्छा मॉडल साबित होगा। केंद्र सरकार के लोग भी इस कॉन्फ्रेंस में होंगे, जिससे उनकी भी राय इसमें शामिल हो। राय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली सरकार के इस कदम में उन्हें सभी का साथ मिलेगा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू, नसरुद्दीन शाह और आमिर खान गद्दार हैं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू, एक्टर आमिर खान और नसरुद्दीन शाह को गद्दार बताते हुए तीनों की राजपूत राजा जयचंद और बंगाल के नजाफी नवाब मीर जाफर से तुलना की। सोमवार को अलीगढ़ में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, भारत को कसाब, याकूब और इशरत जहां से जैसे मुस्लिमों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनकी ज़रूरत है जो कलाम के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। कसाब के रास्ते पर चलने वालों को केवल देशद्रोही कहा जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू, नसरुद्दीन शाह और आमिर खान पर बोलते हुए कुमार ने कहा, वे अच्छे अभिनेता हो सकते हैं, लेकिन वे सम्मान लायक नहीं हैं क्योंकि वे गद्दार हैं। वे मीर जाफर और जयचंद की तरह हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या मामले की सुनवाई में देरी के लिए कांग्रेस, वामपंथी दल, सांप्रदायिक धार्मिक बल और कुछ न्यायाधीश जिम्मेदार हैं। मैं संतों और साधुओं से अपील करता हूं कि वे कांग्रेस कार्यालय के बाहर वाम दलों के कार्यालय और न्यायाधीशों के घर के बाहर धरने पर बैठे, जो इस मामले में देरी कर रहे हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे नितिन गडकरी, जाने अब तक क्या क्या दिए बयान। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा बयान दिया है जिसे कि मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने चुनाव में किए गए वादों का जिक्र करते हुए कहा कि वही सपने दिखाने चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सके, वरना जनता सपने पूरा न होने पर नेताओं की पिटाई करती है। बयान देते हुए गडकरी ने किसी नेता या पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका यह बयान मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष का हथियार बखूबी बन सकता है। गडकरी के बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि गडकरी जी, हम समझ गए हैं आपका निशाना किधर है। उन्होंने गडकरी के बहाने भाजपा को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के अलावा AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी गडकरी के बयान पर ट्वीट कर कहा कि वह काफी चतुराई से पीएम मोदी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वहीं गडकरी के बयान को लेकर पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई। पार्टी का कहना है कि गडकरी ने वादा पूरा न करने की बात विपक्ष के संदर्भ में कही है। आज हम आपको गडकरी के उन बयानों के बारे में बताते हैं जिसने उनकी पार्टी को असहज करने का काम किया। गडकरी ने बीते हफ्ते एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण की खुलकर तारीफ की थी। इससे पहले वह इंदिरा गांधी की भी तारीफ कर चुके हैं। अपने एक बयान में गडकरी ने कहा था कि हमें विश्वास था कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, इसी वजह से चुनाव में बड़े बड़े वादे किए, जिसे यदि हम सत्ता में नहीं आए तो हम जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। हालांकि विवाद बढ़ने पर गडकरी ने सफाई देते हुए कहा कि इसका गलत मतलब निकालने वालों को मराठी भाषा समझ में नहीं आती। मोदी सरकार को विपक्ष लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरती रही है। गडकरी ने इसे लेकर भी बयान दिया। कुछ समय पहले मराठा आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि आरक्षण देने का क्या फायदा जब नौकरियां ही नहीं हैं, नौकरियां कम हो रही हैं, यदि आरक्षण दे भी दिया तो नौकरियां कैसे देंगे, सरकारी भर्ती रुकी हुई है, नौकरियां कहाँ हैं। नेताओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने को लेकर भी गडकरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी के विधायक या सांसद अच्छा काम नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी पार्टी के मुखिया की होती है। सफलता के दावेदार कई होते हैं, लेकिन विफलता में कोई साथ नहीं देता। एक टीवी कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा, हमारे पास इतने नेता हैं और हमें उनके सामने बोलना पसंद है,
इसलिए हमें उनसे कुछ काम देना है। उन्होंने एक फिल्म के सीन का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोगों के मुंह में कपड़ा डालकर उनका मुंह बंद करने की ज़रूरत है। नितिन गडकरी बेशक अपने बयानों को विपक्षी दलों का दुष्प्रचार बता चुके हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि विपक्ष इसे भाजपा सरकार के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से परहेज नहीं कर रही। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि उनके बयानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इससे मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।